हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाउल टॉक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ टुक्की को लेने स्कूल के लिए। और ये देखो, आज स्कूल नहीं गया और ये इतनी छुट्टियां करने लगा, इतनी छुट्टियां करने लग रहा। ये मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ बहाने मारने लगा अब ये लड़का। ये छुट्टियां करता है, अब इसका नाम कटवाऊंगा स्कूल में से, इसे स्कूल नहीं भेजूंगा अब मैं। इतनी छुट्टी करता है, गुस्सा आता है यार, रोज रोज छुट्टी करता है। तो गाइज, अभी टुक्की को स्कूल लेने जा रहा हूँ। वो तो बेचारी गई है देखो, जबकि लेट सोए थे सब, क्योंकि पता है आपको पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा इसके मामा आए हुए थे, तो सब लेट ही सोए। मैं भी लेट सोया, सोना भी लेट सोई, टुक्की भी लेट सोई। ठीक है, ये तो फिर भी सो ही गया था टुक्की से ही पहले, है फिर भी नहीं स्कूल गया। तो आज हमें भी जाना है वहाँ पर मेरी बहन के यहाँ पे यही कोतली का सामान देने के लिए, जो सावन में दे के आते अपनी बहनों के घर पे। तो हमें भी जाना है दोनों भाइयों को, तो हम भी जाएंगे। और वहाँ पे थोड़ा सा यार वीडियो अलाउ नहीं करते उसकी ससुराल वाले, तो थोड़ी सी वो हो जाती है दिक्कत। एक बार हमने बनाई थी तो उन्होंने बोला कि यार वो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि वीडियो मत बनाया करो। तो देखेंगे, आपको अभी दिखाएंगे क्या क्या सामान लेके जाएंगे, क्या क्या लेने जाएंगे अभी हम, तो वो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ टुक्की को लेने के लिए, तो सीधा मिलता हूँ अब आपको मोटो ब्लॉगिंग पे। तो भाई आ गए अपने मोटो ब्लॉगिंग पे। आज मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है यार, मस्त मौसम हो रहा है बर्फ वाला। तो गाइज, आज टुक्की का फास्ट है और मैं बना के लाई हूँ टुक्की के और उसके डैडी के लिए मैंगो शेक, क्योंकि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। और इनों का भी फास्ट है तो इन्हें भी दिया जाएगा। नहीं भाई, ये कप वाला तेरा है टुक्की, पूरा फिनिश होना चाहिए। ये आपका है, सही है, मस्त है, चलो। चल झूठा, पहली बार टेस्टी, मतलब पहली बार टेस्टी बना है। राहुल जी, ऐसे ही नहीं बना रखी मैंने तुम्हारी सेहत, खिलाई पिलाई की सेहत है। अच्छा, जो हर बार तुम नकल निकालते हो, खाते हैं पीते हैं फुल और फिर नकल निकालते हैं। देसी बंदे हैं, देसी बंदे तो बिना खाए पिए अखाड़े में एक्सरसाइज करी है। तो फिर देसी बंदे को 10-12 साल से जो मैं खिला रही हूँ, देसी बंदे की बॉडी ऐसी बनी हुई है, देसी बंदा कुछ नहीं खा रहा। मम्मी बनाती है तुम्हारा खाना, गजब बेइज्जती है। गाइस देख लो, कमेंट्स करके बताना इन्हें। बनाता हूँ अपना। अरे बस कर भाई। ओ झूठे, इसका नाम हमने रखा हुआ है मोगली। और आदि भाई साहब हमारे अभी सो के उठे हैं, रात को 4 बजे तक इन्होंने डिनर करा। यूवी आज स्कूल नहीं गए जैसे कि इसके डैडी ने बताया है, और थोड़ी सी वैसे तबीयत भी इसकी डामक ढोल है। तेरी वजह से ही है ये। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? हाँ यूवी, मेरी वजह से है तबियत। ये राहुल जी की तो आदत है, हर चीज का ब्लेम ना मेरे ऊपर ठोकते हैं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बस कुछ बोलेंगे, ठीक है। वो ठीक है, मुझे भी पता है। नहीं भेजा, मैंने सुबह उठाया, उसने नाश्ता ही नहीं करा, नाश्ता करने का नाम का वो उठ ही नहीं पा रहा था। और फिर उठा और सीधा वॉशरूम भाग गया, फिर थोड़े मोशन उसके लूज आए थे, फिर मैंने कहा तू ऐसा कर घर पे ही रह। बस घर पे ही रह तू। हाँ, तो फिर जब उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन आगे से भाई कोई एक्सक्यूज नहीं, ठीक है, रेगुलर स्कूल। तो भाई जब हम जा रहे हैं सिंदारे का सामान लेने, सिंदारे की याद आ जाओ, सिंदारे का सामान लेने, यानी कि जो तीज का सामान होता है वो लेने के लिए जा रहे हैं। क्या क्या मिलता है हमको, और जाना भी हमें आज ही है, फिर अगले दिन मंगलवार लग जाएगा, तो उस दिन देते भी मेरे हिसाब से, तो इस वजह से आज ही देके आएंगे। और आज का हमारा फास्ट भी है। तो गाइस अभी हम ले रहे हैं मट्ठियाँ, ये पैकिंग में ही आजकल बहुत बढ़िया हो गए, पैकिंग में ही आने लगी है। ये 3 तरीके की मट्ठियाँ है नमकीन वाली है, बाकी मीठी वाली अभी देखते हैं, और गेवर देखते हैं गेवर कौन सा लेते हैं। और ये हमारे राजेश भाई की दुकान है, ओम जी स्वीट, मशहूर दुकान है यहाँ की, हमारे गांधीनगर की। तो भाई अब करवा रहे हैं गेवर, गेवर नहीं मीठी मट्टी। और भाई ठीक है,
तो भाई कल फोन करा मैंने रसमलाई के लिए यार, खत्म हो गई थी। कल क्या था ऐसा कल इतनी जल्दी? अच्छा बेटा, तो भाई अपने मठिया ले ली और अब ले रहे हैं ये गेवर। गेवर कौन सा बोला बोलते इसको? मलाई गेवर, मलाई गेवर है ये। चलो भाई, तो गाइस सामान तो ले लिया, अब चलते हैं कुछ और सामान लेने के लिए। और ये हमारी दुकान है, कभी भी आना हो इस दुकान पे आओ, ये इनका नंबर है, कुछ भी मंगाओ आपके होम डिलीवरी भी हो जाएगा। ये मत सोचना कि मतलब हमारे को कुछ वहाँ से डिस्काउंट मिल रहा हो या कुछ, हमारी बहुत पुरानी दुकान है, हमारे भाई बन रहे, तो इस वजह से ऐसे भाइयों की हम, मैंने कहा भाई हम अपने YouTube पे भी दिखाएंगे, और मैंने दिखाई भी है पहले पुरानी वीडियोस में, तो मैंने चलो आज फिर दिखा देते हैं। जितने नए न्यू सब्सक्राइबर अपने भाई जुड़े हैं तो उन्हें भी बता दें कि हम कहाँ से लेते हैं स्वीट्स वगैरह। चलो अब कुछ और सामान लेना वहाँ चलते हैं। भाइयों कपड़े तो ले लिए हमने, और बस अब चलते हैं, और सामान हमें लेना है और क्या क्या लेना वो आपको भी दिखाते हैं। भाई कपड़े ले लिए, बिल हो चुका कपड़ों का, आ जाओ भाई। कैरी बैग मांग रहे तुम यार, बताओ इससे दूसरा पहचान इस कैरी बैग से है। अब आ गए थोड़ा सा सामान लेने के लिए, और क्या क्या लेना है वो देख लेते हैं। भाई जब और सामान भी ले लिया यहाँ से, यहाँ पर दुकान दिखा उनके चूड़ी वालों से सामान लिया हमने थोड़ा सा। तो गाइस हमने सारा सामान तो ले लिया, अब जा रहे हैं घर पे, तो घर पे जाके थोड़ी सी और तैयारी करेंगे और फिर निकल जाएंगे बहन के घर पे ये सारा सामान देने के लिए, क्योंकि आज कई दिन है यार, दे के आएंगे कल फिर ट्यूसडे लग जाएगा, तो आगे आवाज़ नहीं आएगी तो बस बंद करता हूँ, घर पे मिलता हूँ अब। तो गाइस ये सब सामान पैक कर रहे हैं, एक बार मैंने इन्हें दिखा दिया कि भाई क्या क्या सही लाए हैं ना। हाँ, ठीक। चलिए अब पैक करो फिर। तो भाइयों इससे आगे की वीडियो आपको मिलेगी कल, और बहुत ही मज़ेदार ये मोटो व्लॉगिंग होने वाली है, तो देखना ज़रूर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, और बहुत मज़ा आने वाला है।